महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को खुश करने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जिसके कारण उनकी किरकिरी हो गई। शरद पवार को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि कम विधायकों के बावजूद सरकार बनाने की कला उन्होंने पवार साहब से सीखी है। हालांकि उन्होंने ये बात एनसीपी प्रमुख के पक्ष में कही, लेकिन इसके दूसरे पहलू को लेकर उनके साथ साथ पवार की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कम विधायकों के बावजूद सरकार बनाने की कला का मतलब तोड़फोड़ की राजनीति है। सियासत में कभी भी ऐसे गठबंधन को नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। विपक्षी पार्टियां इसी आधार पर भाजपा की आलोचना करती रहती हैं। गोवा में बनने वाली भाजपा की सरकार हो या फिर मणिपुर में भाजपा की सरकार, हर जगह पर कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भाजपा की आलोचना की है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी भाजपा के ऊपर लगाया। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद जब कांग्रेस को इन राज्यों में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था, तो इसने भाजपा के ऊपर विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यही बात शरद पवार के लिए कह दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को राजनीति का महारथी साबित करने के लिए ऐसी बात कही, लेकिन इसका अर्थ तो उल्टा ही पड़ गया। दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके ऊपर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। अब उद्धव ठाकरे को किसी भी तरह फडणवीस का जवाब देना था, इसीलिए उन्होंने शरद पवार के बारे में ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमें सिखाया है कि कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और विधानसभा में कम विधायकों के साथ सरकार कैसे बनाई जाए, लेकिन उनका बयान शरद पवार पर ही भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।